स्वागतम तत्र भवतां सर्वेषां विद्यार्थिनां ये संस्कृत समुपासकः संस्कृत विषये दृढ़ रूपेण अध्ययनरतः प्रिय विद्यार्थिनः कठोपनिषद भारतीय दर्शन साहित्यस्य आत्मतत्व रूपेण प्रतिष्ठितमस्ति। अस्मिन् ग्रंथे महान संवाद है यमनचिकेता संवाद रूपेण। कल हमने उसकी तीन कारिकाओं का अध्ययन किया था, आइए उससे आगे चलते हैं। यह है उपनिषद भारतीय अध्यात्म विद्या विधा का प्रतिनिधि उपनिषद है। इसके तात्विक ज्ञान या बोध हो जाए इसका तो मानव जीवन धन्य हो सकता है। इन कारिकाओं में जो रहस्य जो छुपा हुआ है उसी के लिए वीडियो के माध्यम से इस कोरोना काल में विद्यार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए मैं तो ये और कहूँगा कि आप जल्दी से महाविद्यालय में आएँ, किंतु सरकार द्वारा ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो और अधिक बेहतर है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों का संकल्प चाहिए, क्योंकि हम लोग कक्षा में जब पढ़ाते हैं तो एक बार पढ़ा दिया गया वो विषय रहता नहीं है। यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो हमेशा हमेशा के लिए YouTube पर उपलब्ध रहेगा। आप इसको अपनी मर्जी उस समय खोलकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जो ई कंटेंट के माध्यम से वीडियो अपलोड, पाठ्यक्रम से संबद्ध वीडियो जो डाले जा रहे हैं, ये बहुत ही आपदा को अवसर में तब्दील करने के जो महान प्रधानमंत्री महोदय के जो संकल्प हैं, उन संकल्पों में राज्य सरकार भी उतनी ही आगे प्रतिबद्ध है, दृढ़ रूप से संकल्पबद्ध है विद्यार्थियों का उत्थान करने के लिए। तो ये YouTube पर ये जो वीडियो हैं वो हमेशा क्लाउड मेमोरी में रहेंगे। आप जब चाहें तब इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। मेरा विद्यार्थियों से पुनः पुनः ये कहना है कि ये संस्कृत केवल सुनने का विषय नहीं है, संस्कृत बोलने का विषय, लिखने का विषय है। मैं आदर्श वाचन करता हूँ संस्कृत के पद्यों का, कारिकाओं का, मंत्रों का, श्लोकों का। आपसे भी ये अपील करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आप वैसे ही जिस छंद में मैं गान कर रहा हूँ श्लोक का, आप वैसा ही गान करें, क्योंकि संस्कृत सुनने का विषय नहीं है, ये जिह्वा के अभ्यास का विषय है। यदि आप कठिन से कठिन अक्षरों का अभ्यास करेंगे तो आपकी जिह्वा वैसी हो जाएगी और आप फिर आगे जिस भाषा में जैसा भी बोलना चाहें आप तत्पर रहेंगे, आपका जो संप्रेषण कौशल है वो विकसित हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षियन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणम् भूषणम्। इस संसार में जितने भी आभूषण हैं, गहने हैं, चाहे कपड़े हों, शरीर के निखार के जितने भी सौंदर्य प्रसाधन हैं, वे सभी एक दिन खत्म होने वाले हैं, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वाणी रूपी आभूषण हमेशा बना रहेगा, उसका कभी किसी देश काल परिस्थिति में नाश नहीं होने वाला है। वाणी का आभूषण कैसे आएगा? सरस्वती की साधना से। दुनिया के तमाम विद्यार्थियों के लिए कितना उपादेय है, देवी सरस्वती प्रसन्न होगी तो प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती यहाँ से निकलेगी। और आप समाज के जिस वर्ग को अपनी बात कहना चाहते हैं वो अनायास सहज निकल जाएगी, एक अच्छी वाणी के द्वारा प्रस्फुटित होगी। आप वो जो कहना चाह रहे हैं वो बहुत कम शब्दों में कह देंगे, वाणी का बहुत महत्व है। इसलिए मेरा कहना है कि संस्कृत बोलने का भी विषय है, लिखने का भी विषय है। आपको जो यह व्याख्याएँ दी जा रही हैं, चाहे वे संदर्भ प्रसंग, कारिका का अन्वय हो, पदच्छेद हो, शब्दार्थ हो, लेकिन आप कम से कम विद्यार्थी जो सुन रहे हैं वो अच्छी तरह से इन वीडियो के द्वारा बहुत अच्छा जीवन में अभ्युदय कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप वो पद स्थान प्राप्त कर सकते हैं जो दूसरे किसी साधनों से हासिल नहीं हो सकता है। आवश्यकता है अपने मन को एकाग्र करने की,
बाहरी विषयों से चित्त को हटा करके इस एकमात्र अध्ययन में लगाने की, क्योंकि इस समय बाहरी विषय आपको बाधक बन करके स्पीड ब्रेकर के रूप में सामने खड़े हैं, आपको अपने मूल विषय पर नहीं रहने देंगे। हमारे शास्त्रों में इंद्रिय निग्रह का, इंद्रिय संयम की महान शिक्षाएं दी गई हैं, दूसरे विश्व के किसी साहित्य में नहीं है ये। इनको ब्राह्मणों की भाषा कहकर के बदनाम किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं कहना चाहूंगा कि संस्कृत ब्राह्मणों तक सीमित रहने वाली भाषा नहीं है, मनुस्मृति को बिना पढ़े बदनाम किया जा रहा है। जो सेकेंड ईयर, चाहे सुखाड़िया विश्वविद्यालय हो, चाहे हमारा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय हो, इसके सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में, द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में मनुस्मृति के 150 श्लोक पाठ्यक्रम में है। जरा झांक कर देखें वे लोग जो बिना पढ़े बिना देखे इनका विरोध करते हैं, इनका अपमान करते हैं। जब आप पाएंगे कि इसमें क्या है, अरे इसमें जीवन जीने के सौम्य सूत्र विद्यमान है। विश्व के किसी भी कोने में पड़ा हुआ विद्यार्थी यदि इन नियमों की पालना करेगा तो इस जीवन में अभ्युदय प्राप्त करेगा, भौतिक उन्नति प्राप्त करेगा, अपने अपने परिवार का, अपने गांव गली मोहल्लों का, अपने जनपद का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। इतने महान सौम्य सूत्र विद्यमान है। और राजनीति की उस सेल पर जो लोग राजनीति करके मनुस्मृति को बदनाम करते हैं, निंदा करते हैं, मैं उनके चाहूंगा कि वो विद्यार्थियों को गुमराह न करें, उनको पढ़ने दें, क्योंकि ये विद्यार्थी जीवन बहुत कम है। ये ब्रह्मचर्य का 25 वर्ष तक का मेरा आपको कहना है कि हमारे वैदिक ऋषियों ने चार खंड, जीवन के चार खंड माने हैं। यदि आयु 100 वर्ष की है, हालांकि इस समय 100 वर्ष नहीं है, तो 100 वर्ष की आयु के चार टुकड़े कर दिए हैं। पहला ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है इंद्रियों को संयमित करके, बिल्कुल आपने एक विषय में चित्त ऐसा लगा रखा है, आपका मन रवड़ रहा है, काम क्रोध मद लोभ मोह ये नरक के रास्तों पर हमारा मन दौड़ता रहता है, अरे मत जाने दो। मन को लगाम बना करके, बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा अपने शरीर रूपी रथ को एक निश्चित जो रास्ता है उस पर चलाओ। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय ब्रह्मचर्य के इस समय में, जब आपका विवाह नहीं हुआ है, आप, आपके माता पिता आपके लिए सपना देख रहे हैं कि आप पढ़ करके कोई अच्छा पद हासिल कर लेंगे, नौकरी हासिल कर लेंगे, और हमारे यहाँ के जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थी पक्का घर उनको नसीब होगा, बिजली पानी नसीब होंगे, और वे भौतिक अभ्युदय प्राप्त करेंगे। ऐसे इस ब्रह्मचर्य का समय बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, उसमें मन एक विषय में नहीं रह पाता है। उस मन को एक विषय में कैसे रखना, ये बातें मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 150 श्लोकों में हैं, जो सिलेबस में हैं, जो हम पढ़ाएंगे आपको। लेकिन अभी इस समय कठोपनिषद चल रहा है, इसमें भी इंद्रिय संयम की शिक्षा दी गई है। गीता, भगवत गीता मैंने पढ़ाया, आप लोगों को बताया, कुछ वीडियो और डालूंगा, उसमें भी इंद्रिय संयम की महान शिक्षा के सौम्य सूत्र विद्यमान है, जिनको व्यवहार में ला करके, क्रियान्वित करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, मानव जीवन को धन्य कर सकते हैं। अगर हम सुख भोगने के लिए ही पैदा हुए तो मानव और पशु में कोई अंतर नहीं है। विवेक से सुख भोगना, संयम से सुख भोगना, इंद्रियों को निग्रहित करके, संयमित करके सुख भोगना, ये मनुष्यता है। क्योंकि आहार निद्रा भयमेतुन च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्, ये खाना खाना, नींद निकालना, भयभीत होना, मैथुन करना, सहचर्य, इसको सहवास कहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तो पशु भय रहना, ये पशु और मनुष्यों में समान बातें हैं, कोई अंतर नहीं होता इसमें। मैं तो कहता हूँ कि पशु बेचारे समय चक्र का उल्लंघन नहीं करते हैं, मानव इस चक्र में बंधा हुआ नहीं है। और पांचवा जो अंतर है वो है धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु समाना।
ये चार बातों में तो पशु और मानव में कोई अंतर नहीं है, तो फिर अंतर करने वाला तत्व कौन सा है? धर्म। धर्म से तात्पर्य विवेक बुद्धि, मनुष्य का अपना अंतःकरण की चेतना, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या हितकारी है क्या अहितकारी है, क्या पाप है क्या पुण्य है, मन से सोच करके उस सत्य पथ पर चलना, ये धर्म है। धर्म का तात्पर्य पूजा पद्धतियां नहीं है। तो ये जो तत्व है वो मानव और पशु में अंतर करने वाला है। तो कठोपनिषद का यमुन जी के दा संवाद आज चौथी कारी का पढ़ेंगे, लेकिन आखिर कठोपनिषद है क्या, इसकी चर्चा करने के महत्व बोध कराने की दृष्टि से मैंने आज के व्याख्यान में वीडियो में आपको ये बातें बताई। एक कठोपनिषद जीवन को धन्य करा सकता है, एक प्रथम अध्याय की प्रथम दो वल्लियां काफी है। प्यारे छात्रों, मुझे कहना पड़ता है कि प्रतिदिन इसके लिए उत्सुक रहने वाले छात्रों की संख्या न्यून है। यद्यपि ये वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे चैनल पर, लेकिन उसको देखने वाले विद्यार्थी को उत्कंठा नहीं है, उत्सुकता नहीं है कि वो व्यू देखें उनके, उनको प्रतिदिन नोट करते जाएं, लिखें, घर पे अभ्यास करें, अपने मन को एकाग्र करो। प्यारे छात्रों, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदान प्रदान, बोलना वाचन, इनमें इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के इन विषयों में हमारी दशेंद्रियां दौड़ती रहती हैं, इनका स्वभाव है रगड़ना, लेकिन मन रूपी लगाम से आप उनको खींचो, आप जहां चाहोगे वहां मोड़ दौड़ सकती है। ये अभ्यास की बातें कही गई हैं कठोपनिषद में। तो फिर कितना महान ग्रंथ है हमारा, मनुस्मृति में भी यही बातें हैं, कठोपनिषद में भी यही बातें हैं, भगवद गीता में भी यही बातें हैं। मैं इनको बड़े शिद्दत से, बड़े अच्छे भाव से आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, कराऊंगा। आइए हम चौथी कारिका की ओर बढ़े। कुछ कठोपनिषद के कुछ चित्र हैं, यमुना जी के दा आप देख रहे हैं मोबाइल के फलक पर। एक छोटा सा बालक अपने पिता के क्रोध का पात्र बन करके जीवन को छोड़ देता है और यमलोक में यमराज के द्वार पर 3 दिन तक भूखा पड़ा रहता है। जब यमराज आते हैं तो उसको देख करके वह कांप जाते हैं, कहते हैं बालक तुम ब्राह्मण बालक हो, 3 दिन मेरे यहाँ पड़े रहे हो, 3 वरदान मांगो। तो उनका अतिथि सत्कार करने के बाद यमराज उस बालक का अतिथि सत्कार करते हैं। अतिथि का महत्व ये इस रूप में आया है, वो आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन 3 वरदान, उन 3 वरदान में पहला वरदान, दूसरा वरदान, तीसरा वरदान क्या आएगा आगे आता जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं द्वार पर एक विप्र बालक जो अपने पिता के क्रोध में आकर के जा मैं तुझे यमराज को देता हूँ ऐसा कह दिया, और वो वास्तव में पिता के वचनों की अनुपालना में, क्योंकि अगर वो पृथ्वी पर रहेगा तो उनके पिता के वचन खोटे पड़ेंगे। हमारी संस्कृति का है ना, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो पिता के वचनों को पालना कराने के लिए वह यमराज यमलोक में आकर के यमराज के द्वार पर पड़े रहते हैं। ये इतिवृत्त की कुछ बातें, विषय वस्तु की कुछ बातें कारिका रूप में यहाँ हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। यमुना जी के दा संवाद में जो बातें आई हैं, जो डायलॉग्स हैं, वो इतने बहुत आनंदित कर, भाव विभोर करने वाले हैं कि जो तात्विक रहस्य से परिपूर्ण एक नहीं बहुत सारी बातें हैं। आइए उन सब का हम रसास्वादन करें, पढ़ें, हृदयंगम करें, आत्मसात करें इन विषयों को, तब जाकर के हमें अपने जीवन में उसका ध्येय प्राप्त होगा। अन्यथा ये ऐसा छोटा सा जीवन है, किस प्रकार समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तृतीय वर्ष के विद्यार्थी जो अध्ययनरत हैं, मैं धन्य समझता हूँ कि वे कठोपनिषद जीवन में पढ़ रहे हैं। पढ़ करके हम यदि हमने इसका मर्म नहीं समझा तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं होना है। चौथी कारिका, सहोवाच पितरं तत् कस्मै मां दास्यसीति, द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वं ददामीति। यज्ञ अनुष्ठान में पिता द्वारा बूढ़ी गायों का दान करते हुए देख करके बालक के मन में श्रद्धा ने प्रवेश किया। नचिकेता ने अपने पिता वाजश्रवा से पूछा, एक बार, दो बार, 3 बार मुझे किसे देंगे,
जब आप सब कुछ दान में दे रहे हैं तो मेरा दान किसको करोगे हे पिताजी, मेरा भी दान कर दो। सहोवाच पितरम, अपने पिता को बोला तत्कस्मै, किसके लिए? माम दास्यति इति, दास्यति इति, दास्यसि इति, दोगे, मेरा दान किसके लिए करोगे, मेरा भी दान कर दो। बूढ़ी गायों को दान में देख कर, दान में देते हुए देख करके दो, एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा प्रश्न करने पर तम उवाच मृत्यवे त्वं ददामी थी, पिता को क्रोध आ गया। उस बालक के पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कहने पर पिता को क्रोध आया और वो बोले मृत्यवे त्वं ददामी थी, मैं तुम्हें मृत्यु के लिए दान देता हूं। क्या बात, पिता को पुत्र पर क्रोध आना स्वाभाविक था। उस समय यज्ञ में बहुत बड़ा अनुष्ठान किया जा रहा है, एक पुत्र एक तरह से पिता की परीक्षा ले रहा है, ऐसा पिता ने अनुभव किया। तो पिता को क्रोध में आकर के उन्होंने कहा मैं तुझे यमराज को देता हूं, जा। इस कारिका में यह है, एक तरह से पिता का क्रोध यहां प्रकट हुआ है। इस कारिका में जो कंटेंट के माध्यम से छात्रों के लिए कुछ, यहां एक कारिका है, देखिए। सह पितरम उवाचत आत्मा कस्मै दास्यति, द्वितीयम तृतीयम उवाचतम। ये इसका अन्वय, इसके शब्दार्थ और ये इसका भावार्थ है। इसको नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें, आपके पास हमेशा रहेगा। इस वीडियो को आप 50 बार देख सकते हैं। ये इसका विशेष व्याख्यान लिखने लायक, और आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर हम आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आते हैं। तावत ओम नमो नमः।